गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट जो 12 बायोकेमिक मेडिसिंस होती हैं उनको मिलाकर 28 कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। वो 28 कॉम्बिनेशन डिसीज वाइज हैं, डिसीज के हिसाब से आप 28 डिसीजेज में वो 28 कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। 28 कॉम्बिनेशन बनाने के कारण बायोकेमिक सिस्टम बहुत ही इजी और सिंपल हो गया है। इसमें 12 जो बायोकेमिक मेडिसिन हैं उनको, कुछ मेडिसिन को जैसे कैल्केरिया फॉस है, नेट्रम्यूर है, काली फॉस है, फेरम फॉस है, चार मेडिसिन को मिला के 1 नंबर बायोकेमिक बनाया है। ऐसे ही 2 नंबर बायोकेमिक बनाया है काली फॉस, मैक फॉस, नेट्रम्यूर और नेट्रम सर्फ को मिला के। ये अस्थमा में आप दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले वीडियो में मैंने 12 बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में डिस्क्राइब किया था। क्योंकि ये डेफिशिएंसी सिस्टम पे वर्क करती हैं तो बॉडी के लिए इनकी नीड होती है, और जिस बायोकेमिक सॉल्ट की, बायोकेमिक मेडिसिन की कमी होती है, उसके कमी के कारण जो लक्षण आते हैं वो बायोकेमिक मेडिसिन वो आप देने से वो ठीक हो जाते हैं। बहुत से डॉक्टर्स तो केवल बायोकेमिक मेडिसिन से ही सभी बीमारियों का इलाज करते हैं, कुछ डॉक्टर होम्योपैथी के साथ बायोकेमिक दवा देते हैं। वैसे होम्योपैथी के साथ बायोकेमिक दवा देना बहुत ही अच्छा होता है, और आपको ये 28 कॉम्बिनेशन टंग पर हमेशा लर्न होना चाहिए। सपोज उसको एनीमिया है तो आप 1 नंबर बायोकेमिक उसको 4-4 गोली दिन में 4 बार 3 बार जैसा आपको ठीक लगे दे सकते हैं। ऐसे अस्थमा का पेशेंट आता है तो आप उसको रिपर्टराइज कीजिए होम्योपैथिक दवा के लिए, और साथ में सबसे पहले आप उसको बायोकेमिक दवा भी साथ में दीजिए। बहुत से डॉक्टर्स केवल बायोकेमिक दवा से ही सभी मरीजों को ठीक करते हैं, तो आप ये बायोकेमिक दवाओं को कम ना समझें, ये होम्योपैथी के बराबर ही असर दिखाती हैं। क्योंकि ये सेफेस्ट सिस्टम है, ये बॉडी की नीड होती है, क्योंकि बॉडी बायोकेमिक सॉल्ट से बनी हुई है, इसलिए ये दवाएं बहुत ही अच्छा काम करती हैं, और आप बिना दुष्प्रभाव के इनको आप फ्रीली किसी को भी दे सकते हैं। सबसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन एनीमिया के लिए बनाया गया है। एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की शरीर में कमी, तो इसके लिए इसमें जो बायोकेमिक मेडिसिन होती है 12 में से 4 ली गई हैं, कैल्केरिया फॉस, नेट्रम्यूर, काली फॉस और फेरम फॉस, इनकी बराबर मात्रा लेते हैं, और ये दवाएं भी 3x, 12x, 30x इस हिसाब से ही मार्केट में मिलती हैं। सेकंड नंबर अस्थमा के लिए है, इसमें काली फॉस है, मैक फॉस है, नेट्रम्यूर है, नेट्रम सल्फ है, ये बराबर मात्रा में ली गई हैं, और ये दवा देने से अस्थमा के मरीज को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 4-4 गोली दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। थर्ड नंबर जो बायो कॉम्बिनेशन है वो कोलिक, पेट दर्द के लिए है। इसमें मैक फॉस है, कैल्केरिया फॉस है, नेट्रम सल्फ है, फेरम फॉस है। जब आपको या किसी मरीज को पेट दर्द होता है तो आप 4-4 गोली दिन में 4-6 बार आप पानी में घोल कर दे सकते हैं। इस बायोकेमिक दवा को यदि पानी में डिजोल्व कर लेते हैं तो इसका आयोनाइजेशन होता है, और ये टेबलेट से कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। 4 नंबर जो बायोकेमिक मेडिसिन है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए है। इसमें कैल्केरिया फ्लोर, काली म्यूर, नेट्रम्यूर, साइलिसिया मिली है। आप कॉन्स्टिपेशन, किसी मरीज का पेट साफ नहीं हो रहा तो आप ये बायोकेमिक 4 नंबर दवा उसको दे सकते हैं। 4-4 गोली दिन में 3-4 बार, और उसको चाहें तो आप गुनगुने पानी में डालकर कह सकते हैं कि गुनगुने पानी में डालकर आप इसको चाय जैसी थोड़ा थोड़ा पिएं, सिप में पिएं। 5 नंबर कॉम्बिनेशन जो है कोराइजा के लिए है। यदि आपको लगता है कि जुकाम बना रहता है तो ये दवा कंटिन्यू आप रख सकते हैं। इसमें काली फॉस, काली म्यूर, नेट्रम्यूर, काली सल्फ है, और ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। 4-4 गोली दिन में 3-4 बार आप दे सकते हैं। 6 नंबर जो 6 नंबर कॉम्बिनेशन है वो कफ और कोल्ड कैटर के लिए है। कफ, कोल्ड, कैटर, इसमें खांसी भी होती है, कोराइजा में सिर्फ जुकाम होता है। ठंड लग गई है, कफ हो गया, खांसी हो गया,
गले में दर्द हो रहा है, खिचखिच हो रहा है, तो आप कफ कोल्ड का 6 नंबर वायो कॉम्बिनेशन बड़े आसानी से दे सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसमें फेरमफॉस, कालीम्यूर, मैकफॉस, नेट्रमयूर और नेट्रम सल्फ बराबर मात्रा में मिला के बना गया है। इसकी 4-4 गोली दिन में 4 बार गुनगुने पानी में घोलकर दे सकते हैं या नॉर्मल पानी में भी घोलकर दे सकते हैं। डायबिटीज का जो कॉम्बिनेशन है वो 7 नंबर रखा गया है। 7 नंबर कॉम्बिनेशन में कैल्केरियाफॉस, फेरमफॉस, कालीफॉस, नेट्रमफॉस और नेट्रम सल्फ है। इसको आप देते समय 4-4 गोली दिन में 4 बार दे सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है। डायबिटीज की और दवाओं के साथ में भी आप इसको ले सकते हैं। 8 नंबर कॉम्बिनेशन जो है डायरिया के लिए है। डायरिया का कॉम्बिनेशन कैल्केरियाफॉस, फेरमफॉस, कालीफॉस, नेट्रमफॉस और नेट्रम सल्फ से बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया गया है। इसको आप आधे कप 1 कप पानी में 4-4, 6-6 गोली दिन में 4 बार आप दे सकते हैं डायरिया में। ये बहुत अच्छा इफेक्टिव है। 9 नंबर जो है डिसेंट्री के लिए बायो कॉम्बिनेशन बनाया गया है। इसमें फेरमफॉस, कालीम्यूर, कालीफॉस, मैकफॉस, ये डिसेंट्री के समय जो मरोड़ होती है पेट में और बार बार लेटरिंग जाने की जो शिकायत होती है, पेट में आव आती है, लेटरिंग के साथ चिकना चिकना पदार्थ निकलता है, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। एनलार्ज टॉन्सिल्स, देखा होगा कि आपने गले में टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, थूक निकलने में, खाना खाने में गले में दर्द होता है, उसके लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव है। 4-4, 6-6 गोली दिन में 4 बार 5 बार आप ले सकते हैं। इसको गुनगुने पानी में डाल के ये बहुत अच्छा काम करती है। कैल्केरियाफॉस, फेरमफॉस और कालीम्यूर इसमें होता है। ये बायोकेमिक दवाएं बराबर मात्रा में मिलाकर बनाई गई है। आप चाहें तो इसको आप अलग अलग दवाएं लाकर भी आप इनको पीस के बना सकते हैं। फीवर का जो कॉम्बिनेशन है वो 11 नंबर रखा गया है। फीवर में फेरमफॉस, कालीम्यूर, काली सल्फ, नेट्रमयूर और नेट्रम सल्फ बायोकेमिक दवाएं बराबर मात्रा में मिलाकर बनाई गई है। इसको पानी में आधा कप 1 कप पानी में डालकर चाय जैसी घोलकर पीने से बहुत अच्छा इफेक्टिव हो जाता है। हेडेक 12 नंबर के लिए जो दवाई रखी गई है बायो कॉम्बिनेशन में वो हेडेक सरदर्द के लिए, ये बहुत ही अच्छी कामगर दवा है। हजारों लाखों पेशेंट इससे ठीक हुए हैं। मैंने भी हजारों पेशेंटों को ये दवा दी, 100% काम करती है। फेरमफॉस, कालीफॉस, मैकफॉस और नेट्रमयूर को मिलाकर ये बनाई गई है। ये बराबर मात्रा में लेते हैं और इसके बाद ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आप चाहें तो 4-4 गोली 12 नंबर मेडिसिन की आप ले सकते हैं। 4 बार 5 बार 6 बार पानी में डाल के घोल के पीने से 5 मिनट के अंदर आपका सरदर्द गायब हो जाएगा। 13 नंबर जो कॉम्बिनेशन रखा गया है वो 13 नंबर ल्यूकोरिया, महिलाओं को सफ़ेद पानी की शिकायत आम होती है, उनके लिए 4-4 गोली दिन में 3 बार 4 बार वो आसानी से ले सकती हैं। पानी आधा कप 1 कप पानी में घोलकर उनको लेना है। इसमें कैल्केरियाफॉस, कालीफॉस और मैकफॉस बायोकेमिक दवाएं यूज की गई हैं। 14 नंबर जो 14 नंबर बायो कॉम्बिनेशन है मीजल्स के लिए, खसरा के लिए बनाया गया। खसरे में आप फेरमफॉस, कालीम्यूर, कालीसल्फ, ये किसी को भी खसरा होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं चमड़ी पर, तो आप पहले तो समझिए कि ये खसरा है। खसरा है तो आप ये दवाएं 14 नंबर की जो बायोकेमिक दवा है आप दिन में 4 बार 6 बार उसको दे सकते हैं। बहुत अच्छा, पानी में घोलकर देना बहुत अच्छा लाभकारी होता है। 15 नंबर बायोकेमिक बहुत इफेक्टिव है, महिलाओं की मेंस्ट्रुअल ट्रबल जो महामारी की तकलीफ है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें कैल्केरियाफॉस, फेरमफॉस, कालीफॉस, कालीसल्फ और मैकफॉस मिलाकर बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया गया है। इसको 4-4, 6-6 गोली दिन में 3 बार 4 बार आप ले सकते हैं। हल्के 1 कप पानी में नॉर्मल वाटर में भी घोल के आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा काम करती है महिलाओं को। आप 16 नंबर जो बायोकेमिक है वो नर्वस मानसिक थकावट, जिसको नर्वस एग्जॉशन कहते हैं, उसमें ये दवा बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। मैक्सिमम पेशेंट को मैं ये दवा ज़रूर देता हूँ, जिनको कमजोरी लगती है, थकावट लगती है। कैल्केरियाफॉस, फेरमफॉस, कालीफॉस, मैकफॉस, नेट्रमयूर, ये बायोकेमिक दवाओं को मिलाकर ये बनाई गई है और 4-4, 6-6 गोली दिन में 3 बार 4 बार आप इसको दे सकते हैं। कभी कभी सरदर्द की दवा आपके पास नहीं है तो 16 नंबर बायोकेमिक देने से भी उसका सरदर्द ठीक हो जाता है। 17 नंबर दिस इज फॉर पाइल्स, कैल्केरिया फ्लोर, कालीफॉस,
काली म्यूर फेरम्फोस। फोर बायोकेमिक मेडिसिन को मिलाकर बराबर मात्रा में मिलाकर ये पाइल्स की मेडिसिन बनाई गई है। ये दवा को चार चार छः छः गोली आप दिन में चार बार पानी में डालकर लेने से बहुत अच्छा पाइल्स में जलन, खुजली में और वेरिकोज वेंस जो है वो भी रेक्टल पार्ट में जो वेरिकोज वेंस जो बढ़ गई है, सूजन आ गई है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसमें भी लाभ होता है। 18 नंबर जो बायो कॉम्बिनेशन है, ये मशरूमों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है जिसको पायरिया कहते हैं, मशरूमों से पस आता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसमें कैल्केरिया फ्लोर, काली सल्फ और शाइलिसिया, ये तीन दवाओं को मिलाकर बनाई गई है। चार चार छः छः गोली आप दिन में चार बार ले सकते हैं, पानी में डालकर आप चाय जैसी सिप में लें तो ज़्यादा अच्छा लाभ करती है। 19 नंबर दिस इज़ फॉर र्यूमेटिज्म, जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, कंधों के दर्द के लिए, ये बात के लिए, रूमेटिक जो पेन होता है बॉडी में उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। इसमें आप जो भी होम्योपैथी की दवा देना चाहें दे सकते हैं, उसके साथ में बायो कम्बिनेशन अवश्य दें। 19 नंबर फेरम्फोस, काली सल्फ, मैकफोस और नेट्रम सल्फ, ये चार दवाओं को मिला के बनाई गई है और ये बहुत अच्छा जोड़ों के दर्द में काम करती है। प्रत्येक होम्योपैथिक डॉक्टर को ध्यान रखना चाहिए कि वो होम्योपैथी की दवा के साथ में बायोकेमिक दवा का भी उपयोग करे, और बायोकेमिक दवा कभी कभी होम्योपैथी की दवा फेल होने के बाद भी बायोकेमिक दवा वो मरीज को ठीक कर देती है, इसलिए आप इसको कम ना समझें। 20 नंबर बायो कम्बिनेशन है, दिस इज़ फॉर स्किन डिसीज। स्किन डिसीज के लिए आप इसको दे सकते हैं, चार चार गोली दिन में चार बार पानी में घोलकर देने से अच्छा लाभ करती है। कैल्केरिया फ्लोर, कैल्केरिया सल्फ, काली सल्फ, नेट्रम यू और नेट्रम सल्फ, ये बायोकेमिक मेडिसिन को मिलाकर ये दवा बनाई गई है। आप इसको बहुत ही आसानी से चार चार छः छः गोली दिन में चार बार ले सकते हैं। टीथिंग ट्रबल के लिए 21 नंबर कॉम्बिनेशन, मशूड़ों में दर्द होता है, टीथिंग ट्रबल जो चाइल्ड्स में होती है बेसिकली, छोटे छोटे बच्चों को जब दांत निकलते हैं उस समय की तकलीफ के लिए टीथिंग ट्रबल होती है, और ये बहुत अच्छा काम करती है और हर बच्चे को इसको ज़रूर देना चाहिए। कैल्केरिया फॉस और फेरम्फोस इसमें होते हैं। 22 नंबर जो 22 नंबर है, दिस इज़ फॉर स्क्रोफुला, जो ग्लैंड्स होते हैं नेक ग्लैंड्स, उनमें स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आने के कारण ये दवा उसमें बहुत अच्छा काम करती है। कैल्केरिया फॉस, फेरम्फोस, काली म्यूर और साइलिसिया, ये कॉम्बिनेशन के से ये दवा बनाई जाती है, और ये जो भी कंठमाला, स्क्रोफुला टेंडेंसी वाले जो मरीज हैं उनको ये दवा 22 नंबर अवश्य देना चाहिए। टूथेक, दांत दर्द के लिए 23 नंबर कॉम्बिनेशन बहुत फेमस है, कैल्केरिया फ्लोर, फेरम्फोस एंड मैकफोस, ये कॉम्बिनेशन आप देने से दांतों में दर्द में बहुत अच्छा लाभ होता है, और आप होम्योपैथी की दवा दो जो भी देना चाहें वो इसके साथ में दे सकते हैं। ये चार चार छः छः गोली आप दिन में चार बार दे सकते हैं, पांच बार भी दे सकते हैं, पानी में घोल कर सिप में थोड़ा थोड़ा चाय जैसे पीना है। 24 नंबर जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज द फाइव फॉस टॉनिक, इसको टॉनिक कहा गया है, इसमें फाइव फॉस्फोरस लिए गए हैं, कैल्केरिया फॉस एंड फेरम्फोस, मैकफोस, काली फॉस और नेट्रम फॉस, ये वीकनेस को भी कम करता है और ये नर्व एंड ब्रेन टॉनिक का काम करता है, मेंटल एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है, वीकनेस में बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको दिन में चार बार 4 to 6 क्लोब्यूल पिल्स ये आप दिन में चार बार पानी में घोल के ले सकते हैं। 25 नंबर जो कॉम्बिनेशन है वो एसिडिटी, इंडाइजेशन, गैस, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। होम्योपैथी की दवा आप कोई भी दें उसके साथ में 25 नंबर कॉम्बिनेशन अवश्य दें दिन में चार बार, 4 to 6 क्लोव्यूल पिल्स, बिस्किट, जो भी आपके पास हो आप दे सकते हैं। नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ और साइलिसिया, इनको मिलाकर ये बनाई जाती है होम्योपैथी बायोकेमिक दवाई, आप इसको अवश्य यूज करें। इजी पार्चुरेशन, 26 नंबर जो है, महिलाओं को जब प्रसव होता है, डिलीवरी होती है, यदि प्रेग्नेंट फीमेल है उसको देने से उसकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाती है। बहुत से चांसेस ऐसे रहते हैं कि बहुत ही ज़रूरी हो
तो ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। बाकी यदि महिला को ये कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो मैक्सिमम डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कैल्क्रिया फ्लोर, कैल्क्रिया फॉस, काली फॉस, मैक फॉस, ये चार दवाओं को मिलाकर बनाया गया है कॉम्बिनेशन। और आप दिन में चार बार चार चार गोली ऐसे ही ले सकते हैं या पानी में घोल कर भी ले सकते हैं। 27 नंबर जो कॉम्बिनेशन है वो लेक ऑफ वाइटलिटी, वाइटलिटी के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। जनरल वीकनेस के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें कैल्क्रिया फॉस, काली फॉस और नेक्टरम्यूर दिए गए हैं और इसको देने से आपकी वाइटलिटी बहुत अच्छी हो जाती है और आपको कमजोरी बिल्कुल महसूस नहीं होती है। आप इसको दिन में चार बार 4 to 6 टैबलेट ले सकते हैं। 28 नंबर जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज द लास्ट कॉम्बिनेशन, इसको जनरल टॉनिक नाम दिया गया है और इसमें जो 12 बायोकेमिक मेडिसिन है टोटल 12 को ऐड करके बनाया गया है। ये जनरल टॉनिक के रूप में क्योंकि 12 जो बायोकेमिक मेडिसिन है उनसे पूरी बॉडी बनी है। और आप ये मान लीजिए कि यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी दवा दूं तो आप जनरल टॉनिक दे सकते हैं, क्योंकि डेफिशिएंसी मैक्सिमम पेशेंट में 12 जो बायोकेमिक सॉल्ट हैं उन 12 की ही रहती है। तो आप चाहें तो जनरल टॉनिक, आपको नहीं समझ में आ रहा तो जनरल टॉनिक आप भी दे सकते हैं। और फिर जब तक आप अपना मेमोराइज कर लीजिए और उसके बाद आप कोई कॉम्बिनेशन आपको इजी लगता है, समझ में आता है, मरीज के अकॉर्डिंग आपको देना है तो आप ये 28 में सर्च करके आप दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि मैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल से संबंधित, होम्योपैथी से संबंधित अपडेट देता रहूँ। धन्यवाद।